अपडेट है पुलिस विभाग द्वारा, क्या कुछ कहां कहां कितनी फोर्सेज तैनात की जाएगी? 19 अप्रैल को लोकसभा 2024 के प्रथम चरण का मतदान है, इसे कुछ सकुशल संपन्न कराने के लिए 9 प्रदेश और 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां इलेक्शन हो रहे हैं, कुल 248 पुलिस बैरियर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा 348 फ्लाइंग स्क्वाड, 459 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम तथा 55 QRT टीम गठन कर इनके द्वारा लगातार चौकसी रखी जा रही है। इस कार्य हेतु 6000 से अधिक निरीक्षक व उपनिरीक्षक, 35000 से अधिक आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी, 25000 होमगार्ड, 60 कंपनी PAC बल और 220 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस BSF, ITBP, CRPF, CISF, SSB, RPF का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 7000 चौकीदार एवं PRD जवान भी लगाए गए हैं। सारे क्षेत्र में जितने भी राजपत्रित अधिकारी एवं अन्य अधिकारी पोस्टेड हैं, उन्हें भी लगातार कानून व्यवस्था की ड्यूटी हेतु लगातार गतिशील रहने के लिए निर्देशित किया गया है। अभिसूचना तंत्र और सोशल मीडिया तंत्र को भी सतर्क किया गया है, अगर कोई भी भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती है तो उसका तत्काल रिबटल किया जा सके। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम बनाकर वहां से लगातार सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके साथ ही सर, पीलीभीत किस तरह की, जो किस तरह के बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर क्या कुछ अपडेट है? इंटरनेशनल बॉर्डर्स तथा इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर इलेक्शन के समय अनावश्यक आवागमन को रोकने के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर पर 11 चेक पोस्ट लगाए गए हैं। इसके अलावा कुल 248 बैरियर लगाए गए हैं इसी प्रकार के मूवमेंट्स को रोकने के लिए, चाहे वो इंटरस्टेट हो या इंटरनेशनल।